नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूं आपका न्यूज विंग में। अभी हम मौजूद है अपर बाजार स्थित महावीर चौक पर। रामनवमी आने में अब कुछ ही दिन बचा हुआ, जिसे लेकर बाजारों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। 2 साल के बाद इस बार फिर से एक बार रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं बाजारों में। इस बार बाजार का ठीक है। किस किस तरह के झंडे हैं आपके यहाँ? सब तरह का है, पट्टी वाला फिर है, लाइस वाला फिर है। लोग कितना पसंद कर रहे हैं आपके दुकान के झंडे? पसंद तो लोग को आ रहा है अच्छा खासा। सबसे ज्यादा डिमांड है फगुआ झंडे का। झंडा का सेल इस बार अच्छा है। 3 दिन पहले ही माल खत्म हो गया है। 2 बार गरवाने की वजह से डिमांड इस बार बहुत ज्यादा था। माल है नहीं, होलसेल का काम था, हम लोग सारा माल खत्म हो गया 3 दिन पहले ही। इस बार तो बहुत ही सब लोगों में, 2 साल से कोरोना काल के चलते रुक गया था, हुआ नहीं था रामनवमी, तो इस साल सरकार के तरफ से हम लोग को मिला है करने के लिए पूजा। सरहुल भी हुई बड़ी धूमधाम से, तो हम लोग भी सोच रहे कि रामनवमी इस बार बढ़िया से मनाया जाए। 2 साल के बाद हुआ है, अभी आए हैं फिलहाल यहाँ झंडा लेने के लिए। और भी कुछ कुछ सामान लेना हम लोग को। जैसे हम लोग श्यामली महावीर मंडल से है, वहाँ भी सारी रोड पे सारा तैयारी चल रहा है। अभी सारा तरह हर जगह झंडा लग गया है। जितना ज़्यादा बढ़िया से हो रामनवमी इस बार, हम लोग वही सोच रहे थे। बाजारें सज चुके हैं, महावीर झंडे पूरे बाजार में लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के यहाँ पर झंडे हैं। तो आइए हम दुकानदार से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। 2 साल के बाद बाज़ार लग रहा है, सज रहा है। 2 साल के बाज़ार तो इस बार रामनवमी का बहुत अच्छा है। इस बार रामनवमी भी अच्छे से मनेगी और रामनवमी का बाज़ार और धूमधाम से हो रही है। और इस बार रामनवमी का मज़ा भी लिया जा रहा है बढ़िया से, अच्छे खासे तरह से। अब मार्केट में भी अच्छे बाज़ार लगे हुए हैं। हर एक प्रकार की रेट की है, 40 की है, 100 की है, 500 की है, 2000 की है, हर एक तरह की रेट की झंडा है। कहाँ से लाए आप ये सब झंडे? ये झंडा अपने से बनवाए हैं, खुद से बना के खुद से बेचते हैं। कैसा डिमांड है, कैसा मांग है बाजार? ठीक है, मांग ठीक है, डिमांड भी अच्छा है। इस साल अच्छा है बाजार, लोगों का जोश ज़्यादा है, अखाड़े वाले का भी जोश ज़्यादा है, रोड में लगाने के लिए भी डिमांड ज़्यादा है। तो हर साल की अपेक्षा इस साल झंडे शॉर्टेज हो गया, मार्केट में झंडा मिल नहीं रहा है, लोग घूम रहे हैं। और हमारी दुकान में छोटा झंडा 5 रुपया से लेकर के मोटा मोटी 2000 तक का झंडा बनता है, जो कि हम लोग होलसेल करते हैं, जो दुकानदार लोग ले जाके बेचते हैं। तो छोटा झंडा का जो दुकानदार लोग ले जाके बेचते हैं, उसका डिमांड ज़्यादा है, रोड में लगाने का डिमांड ज़्यादा है। और 2000 से ऊपर का झंडा जो हम नहीं बनाते हैं, उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। देखिए, झंडा का डिमांड इस साल जैसा रहा है, आज 25 साल बैक में कभी भी ऐसा डिमांड नहीं रहा है। तो सभी तरह का साइज़ का बनता है, जिनको जो साइज़ का घर में लगाने का, फ्लैट का अलग हो गया, बड़ा बिल्डिंग के ऊपर अलग हो गया, कोई मंदिर के बाहर लगाते उसका साइज़ अलग हो गया, कोई अखाड़ा में लगाते उसका साइज़ अलग हो गया, रोड में लगाने का साइज़ अलग हो गया, वैराइटीज़ ऑफ साइज़ का झंडा बनता है। बहुत अच्छा उत्साह है, यहाँ तक कि जैसा मेरे को लोगों से नॉलेज, जैसे लोग आते हैं, अखाड़े वाले आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं बांस नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहा है तलवार नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहा है माथा पट्टी नहीं मिल रहा है, मतलब हर चीज़ का डिमांड एक्सेस है और कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है सामान। तो जैसा कि सुना आपने, दुकानदारों का कहना है कि पहले की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छे से बिक्री हो रही है और झंडे की मांग बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 साल के बाद इस बार रामनवमी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हिमाचल पर न्यूज़ विंग के साथ।